हाल ही में हुए 300 करोड़ रुपए के लैंड स्कैम में कुछ नई बातें सामने आई हैं। पुलिस का कहना है कि स्कैम में कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और अधिकारी शामिल हो सकते हैं। विपक्षी दलों के नेता और जनता ने सरकार से सवाल करते हुए भूख हड़ताल और प्रदर्शन करने की धमकी दी है। उनकी मांग है कि इस केस के सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर साबित हो गया स्कैम में हम भी है तो जिंदगी भर जेल की हवा खानी होगी। मिनिस्टर बनने के लिए कई घोटाले किए हैं मैंने। इस मामले को दबाने के लिए हमें लोगों का इस घोटाले से ध्यान हटाना होगा। लेकिन कैसे? टेररिस्ट अटैक। सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसे कौन अंजाम दे सकता है? एक लोकल टेररिस्ट है। वो इस देश से उतना प्यार नहीं करता जितना कि पैसों से करता है। ना ही वो आपको जानता है और ना ही पब्लिक उसे जानती है। उसका नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ है। एक ऐसा बेरहम कातिल जो पैसों के लिए अपने माँ बाप को भी मार दे। उसका नाम है नायक। ये काम वो कब करेगा? काम तो शुरू हो चुका है, बस आप टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखिए। देखो बाहुबली, चलो चल के फोटो खींचते हैं। भाई साहब एक फोटो ले लीजिए। रंजीत क्या हाल है भाई? हम तैयार हैं। चल ठीक है। रंजीत, शॉपिंग मॉल वाला बाइक ब्लास्ट नहीं हुआ, जल्दी कर निकल वहां से। सर, इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो भी इस ब्लास्ट का जिम्मेदार है हम उन्हें जल्द गिरफ्तार करेंगे। इस केस की छानबीन करने के लिए हमने NIA स्पेशल ऑफिसर जेडी शास्त्री को अपॉइंट किया है। आप सबसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ। जय हिंद। बॉम्ब ब्लास्ट केस में करप्ट ऑफिसर जेडी शास्त्री के चुने जाने पर लोगों ने चिंता व्यक्त की है। सरकार की आलोचना करते हुए लोगों ने कहा कि इस तरह के फैसले से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसे घूर की और आइटम कर लूं क्या? Come on guys, back to work. तुम ऐसे तरुण कौन है? सर, आई एम तरुण सर। मुझे आपको रिपोर्ट करने को कहा था। एंड दिस इज आवर टीम सर। CCTV फुटेज से पता चला कि 3 जगह बॉम्ब प्लांट किए गए थे, उनमें से 2 ब्लास्ट हुए पर 1 ब्लास्ट नहीं हुआ। आज सुबह तक मेरी जिंदगी खुशियों से भरी थी। मॉम डैड अपनी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। छुटकी, दीदी, जीजा जी, मेरी गर्लफ्रेंड, हम सब बहुत खुश थे। मगर एक ही पल ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मॉम डैड की कोई खबर नहीं है, वो लापता है। मैं नहीं जानता वो किस हालत में होंगे। हर जगह ढूंढा, हर किसी से पूछा, लेकिन
लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। अरे तुम वापस क्यों आ गए? सर वो मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला। बैठो, मेरी बात सुनो। हैदराबाद में 4 जोन्स हैं, उसमें 12 डिविजन्स और 60 पुलिस स्टेशन्स हैं। अगर इनमें से किसी पुलिस स्टेशन में तुम्हारे माँ बाप के बारे में कोई खबर होगी तो उसे हम तक आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, कम से कम 5 घंटे लगेंगे। तुम्हारे बार बार आकर पूछने से तुम्हारे माँ बाप की खबर जल्दी थोड़ी मिलेगी। प्लीज सर, हमने उन्हें सब जगह ढूंढा, हॉस्पिटल्स, मुर्दा घर, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। तो अगर आप... अरे रोज कोई ना कोई लापता होता है भाई, और मैं अपना काम करना जानता हूँ। पहले ही वो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बहुत प्रेशर है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को ढूंढेंगे नहीं, पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ठंडे दिमाग से काम लो। सर दरअसल वन सेकंड। हाँ हेलो सर, बात वो नहीं है, बॉम्ब डैड ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया, वो हमें बिना बताए कहीं नहीं जाते, और आज तो उनकी 30th एनिवर्सरी है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मगर इस वक्त हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और तेज कर देता हूँ, जैसे कुछ पता चलता है तो मैं कॉल करूंगा। ओके ओके। समझ में नहीं आता क्या करूं, लेकिन जब तक मॉम डैड को ढूंढ नहीं लेता ना, मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर वो स्कूल जाकर पढ़ना चाहती है तो उसे रोको मत, उसे स्कूल भेजो। मुन्नी, अरे सुनो, तुमने किसी छोटी बच्ची के जैसे भागते हुए देखा उस तरफ? सुनो भाई, एक छोटी लड़की को यहाँ उस तरफ गई। उस तरफ? हाँ उस तरफ। ए, रो क्यों रही है, क्या बात है? हाँ? अगर मुझे कैंसर हुआ तो मैं मर जाऊंगी क्या? ये किसने कहा तुमसे? तुम्हें पता है कैंसर क्या होता है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी क्लास में कोई बैड बॉयज है क्या? हाँ है, शीनू, सुरेश, चंदू। अगर इन बैड बॉयज ने तुम्हें तंग किया तो क्या करोगी? मैं टीचर को कंप्लेन करूंगी। और टीचर क्या करेंगी? टीचर पनिशमेंट देके क्लास के बाहर कर देगी। करेक्ट। तो अब हम इस कहानी को थोड़ा सा बदल देते हैं, ओके? सोचो तुम्हारा शरीर तुम्हारा क्लासरूम है और वो बैड बॉयज कैंसर है और मैं टीचर। हाँ टीचर हूँ। अब मैं क्या करूंगी? चलो अब जाओ, मगर इस बार किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, ऐसे भागो कि कोई रोक ना पाए। मैं जगतियाल से हूँ, ये करीमनगर के पास में है। अनाथ रहा, कोई फैमिली नहीं रही मेरी। जब छोटा था तो रहने को कोई छत नहीं थी, सड़क पर ही घूमता था, कुछ भी खा लेता था। और उस वक्त कहीं से मैडम ने मुझे देखा और मुझे अपने साथ यहाँ अपने घर लेकर आई। उस पल ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा, मुझे स्कूल भेजा, आज मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ। और आज मुझे जो भी हासिल हुआ है मैं उसकी वजह मानता हूँ मैडम को और सर को। मैडम आपकी तरह मैं भी गांव-गांव जाकर गरीबों की मदद करूंगा, उनका इलाज करूंगा और उनकी जान बचाऊंगा। आप दोनों ही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो मैडम और सर आपको 30th एनिवर्सरी मुबारक हो। वाह, दिल पिघल गया यार। क्यों नहीं पिघलेगा, दिल से बोला, दिल से। देखा एलेक्स ने भी रिकॉर्ड कर दिया। अरे वो हमारे तो अंकल आंटी हैं। हाँ। लेकिन तेरे माँ डैडी है। हाँ। तुझे पहले रिकॉर्ड करना चाहिए था। यार अपने मुंह से अपने माँ डैडी की तारीफ कैसे करूं? एनिवर्सरी के पहले वीडियो रेडी करेगा। अरे चल आ जाओ।
जो भी बोलेगा सबको जिसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। यार बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर मैंने कुछ इमोशनल बोल दिया तो डैड सुन लेंगे और फिर सारी जिंदगी मेरी टांग खींचते रहेंगे यार। इतना ही बोलेगा कि और बाकी छे? ए कैमरा रोल हो रहा है, बोलना भाई। क्या इधर उधर देख रहा है? अरे तू, चेहरा लंगूर और ख्वाब अंगूर, तुम लोगों को कितनी गंदी शक्ल बनाकर देखा उसने। अच्छा, गंदी शक्ल तुझे देखकर बनाई होगी, मैं तो हैंडसम हूँ, मुझे लाइन मार रही थी। अबे रहने दे, तुझे नहीं मुझे लाइन दे रही थी। और एनिवर्सरी वीडियो शूट नहीं कर रहा, टाइम पास क्या कर रहे हो? लड़की देख ही नहीं कि खड़े हो। देख क्या रहा है, चल चल काम कर, चलना यार। वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरी ट्रेन मिस हो गई थी इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आई एम सो सॉरी मैडम। हाय। क्या हुआ, कहीं वो लंगूर फिर से मेरे पीछे तो नहीं आ गए? क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछने आ रहा था कि वो लड़की कौन है। अच्छा वो, यहाँ आओ। अंजलि। अंजलि मेरे कॉलेज के दोस्त महेश की बेटी है, तुम्हारी माँ के साथ इंटर्नशिप करने आई है। हाय। याद है वो बंगलो जो हमारे घर के बगल में है, जिसके लिए तुमने मूवर्स एंड पैकर्स बुक किया था? याद आ गया, वहाँ पर 2 महीने ये वही रहेगी। कम क्या बात है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। कम आई विल ड्रॉप यू। यशो So what about you? इस तरह अचानक हैदराबाद चली आई? नहीं, मैं अचानक नहीं आई हूँ। मेरे डैड हमेशा आंटी की बहुत तारीफ करते रहते हैं। That's why I decided to come. आंटी is my role model. तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर आंटी से कुछ सीख भी लूंगी और थोड़ा बहुत उनकी हेल्प भी कर दिया करूंगी। Nice. Hey, by the way, राधिका कैसी है? And तुम्हारी छोटी बहन धनु? दोनों ठीक है। Nice. राधिका को हाल ही में बेटा हुआ है ना? हाँ हुआ है, लेकिन हाल ही में नहीं, उसे 5 साल हो गए। तो मेरी फैमिली में मुझे छोड़कर तुम सबको जानती हो? हाँ, हम शायद कभी मिले नहीं है ना? पहले कभी नहीं मिले, अगर मिले होते तो मुझे जरूर याद होता। See you then. Good night. Bye. Bye. Hi. What happened? मैंने सोचा सामान ज्यादा है और तुम अकेली, अनपैकिंग करने में तुम्हारी हेल्प करूं। या ये हेल्प भारी पड़ेगी। स्टार्ट करें, बहुत सारा सामान है। इसमें क्या है? संभाल के यहाँ, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैं ध्यान रखूंगा। कुछ हुआ तो मैं पैसे दे दूंगा। अच्छा, इसे खोलने के बाद हम इसे ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ तो मैं रख देती हूँ। ये मुझे क्यों चाहिए? ऐसे आई लाइक इट।
तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड बनोगे। ओ बन गए। ऑलमोस्ट सब हो गया। हाँ। I'm very happy. Thanks for the help. This may sound crazy, but तुमसे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। तुम्हारी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, मन करता है इनमें डूब जाऊं और बस अपने आप को भुला दूं। मुझे चलना चाहिए। बाय। इतनी देर क्यों लगा दी? अंजलि को सामान अनपैक करना था, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। सब कुछ अनपैक कर दिया। घर में कभी अपना बिस्तर तक नहीं लगाया तुमने, और तुम चाहते हो कि हम यकीन कर लें कि तुम अंजलि की अनपैकिंग में मदद कर रहे थे। भाई तुम्हारे चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं है, एकदम फ्रेश लग रहे हो तुम। ऐसा क्या जादू किया उसने? मम्मा देखो ना, डैड हमेशा इरिटेट करते हैं मुझे। चलो बैठ जाओ। जानते हो मेरे दोस्त की बेटी है वो। इसीलिए तो हेल्प की मम्मा, बोलो ना। उसका रिश्ता तय हो चुका है। हालांकि उसके पिता उसे यहाँ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझ पे भरोसा करके उन्होंने भेजा है। बात मदद करने तक ही रहे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हेलो, क्या सोच रहे हो? उसने मुझे बताया नहीं कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। उसको भी उसके पिता ने अभी तक नहीं बताया। तो ठीक है, जब तक वो यहाँ पर है वो हमारी जिम्मेदारी है, ये याद रहे। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा कोई बेवकूफ दोस्त या फिर कोई लफंगा उसे आई लव यू बोलकर प्रपोज न कर दे। डैड आप भी ना किसी भी बात की टेंशन ले लेते हो। मेरे होते हुए उसे और कौन प्रपोज करेगा? हाँ, मेरा मतलब मैं किसी भी लड़के को उसे प्रपोज करने नहीं दूंगा। ओके। धनु की कसम डैड। आपकी पूछताछ पूरी हो गई? Come on, come on, come on. Yes. Oh. Shit. No, no, not working. Arjun? हाँ माँ। आके नाश्ता कर लो, वरना ठंडा हो जाएगा। माँ मैं अभी ड्रोन पर काम कर रहा हूँ, बाद में खा लूंगा। अरे सुनो, तुम्हारा ये ड्रोन कभी उड़ता भी है या फिर पंखा सिर्फ हवा देने के लिए लगा है? फिर शुरू हो गए। ट्रैफिक सिग्नल में ऐसे खिलौने 100-100 रुपए में मिलते हैं। वैसे भी तुम तो हमेशा घूमते ही रहते हो। अगली बार उनसे मिलो तो जरा पूछ लेना कि इस फालतू के खिलौने को उड़ाया कैसे जाता है, समझ गए? प्लीज बुरा मत मानना यार, अभी ये तुम्हारे पीछे पड़े हुए ना, अगर इन्हें पता चला मैंने कल रात क्या किया है तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुरली दिस इज टू मच। क्या आप रोज उसे डांट फटकार के बोर नहीं हो जाते? बोर नहीं, बेटे को डांटना बाप का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ये तुम जाकर किसी भी बाप से पूछ सकती हो। सुनो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मगर मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। आप उसे बहुत बार डांट चुके हैं, पर आपकी डांट से वो रुकेगा नहीं। अगर उसे खुद पर विश्वास है तो मुझे उस पर विश्वास है। सच में? माँ तुम्हारा सपोर्ट कर रही है, सोच कर खुश मत होना ज्यादा। तुम्हारे डैड बहुत टेढ़े इंसान है, अगर खाना पीना बंद कर दिया तो भूखे रह जाओगे। हाँ। अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, बंद करो ये सब, मेरे कान फट जाएंगे, प्लीज बंद करो। देखो सीता, उसने एक अच्छी नौकरी छोड़ दी अपने सपनों के लिए। ओके, उसे अपनी जिंदगी चुनने का हक है, पर उसे सही रास्ते पर लाना भी तो हमारा काम है। अगर आप उसे थोड़ा इनकरेज कर देंगे तो क्या बिगड़ेगा? ओह अच्छा, तुम और तुम्हारी बेटियां हैं ना उसको बढ़ावा देने के लिए।
तुम्हारा विश्वास उसे साहस देता है और मेरा गुस्सा उसे आगे बढ़ने का मकसद। हाँ, उसे जिंदगी में कुछ करना है। अगर उसे टोकेंगे नहीं तो फिर से 9 से 6 की नौकरी में लग जाएगा, यही मुझे डर है। मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। कोई जोक मारा? कौन हो तुम लोग? और इस तरह कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती। बताइए ना, कौन है आप लोग? मेरा नाम वेंकट राव, गांधीपुरम का हूँ। सुना तुम लोग बस में आकर मेरे एरिया में हेल्थ कैंप्स और लोन कैंप्स भी लगाते हो और वहाँ के लोगों को भड़काते हो। बिल्कुल गलत बात है। मैंने उन्हें यही समझाया, लोन न चुकाने की वजह से उनकी जमीनें छीन ली गई हैं। तो क्या करूं मैं? जमीन ना छीनूं तो क्या उनके सामने नाचूं? हाँ, और तुम डॉक्टर साहिबा, तुमने सबकी बीमारियां ठीक करने का ठेका ले रखा है। अगर सब ठीक हो गए ना तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। बंद करो। माफ कीजिए, अपने किसी फायदे या नुकसान के लिए मैं ये काम नहीं करती हूँ। मदद है ये, मगर तुम लोगों की जिंदगी से खेलते हो। कंट्रोल करो। अगर तुमने अपनी जबान पर कंट्रोल खो दिया तो मैं अपने गुस्से पर खो दूंगा। How dare you? तुम हमें धमकी दे रहे हो? क्या कर लोगे तुम? छोड़ो मुझे। बचाने के चक्कर में कहीं तुम खुद ही न जल जाओ। माँ, डैड, अच्छा करना है तो ऐसे गुंडों से हमेशा पाला पड़ेगा तुम्हारा। उन्हें बदलने की सोचो, उनकी तरह मत बनो। उनकी तरह बन गए तो तुम्हें और उनमें क्या फर्क रह गया? फिर हमारा अच्छे काम करने का क्या फायदा? जब पुलिस बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई बाइक को लेने पहुंची, तब वहां ब्लास्ट अक्यूज के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। बताया जाता है कि उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। बोल, और किसको बताया तूने? जवाब दे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। या सच बता। कौन है ये? बाइक सप्लायर है। इसने हमें बाइक सप्लाई की थी, लेकिन अब हमारे लिए खतरा बन गया। पुलिस को सुराग मिल गया, ये सुनकर तुम डर के भाग के चले आए ना? पर घबराने की जरूरत नहीं। 4 लोगों को मार के पुलिस ने हमारा काम आधा कर दिया है, बाकी मैं देख लूंगा। जल्दी कुछ करो वरना अंजाम जानते हो। ये ध्यान रखना कि इस बार पुलिस और NIA दोनों साथ में है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी पहुंच की वजह से मैं आराम से बच जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे 2 कौड़ी के गली के गुंडे कुत्ते की मौत मारे जाओगे। आओ नायक, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। आ, 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 आ,
बिग शॉट हो या गली का गुंडा, नायक के सामने दोनों के नहीं चलते। धंधे में नायक को मुनाफा अच्छा लगता है, किसी की दखल अंदाजी नहीं। मछली और चारा दोनों पे मेरा ही हक है। क्या मतलब? मैंने तुम्हें काम दिया और अब तुम्हें मेरा हिस्सा भी चाहिए? तूने मेरे को काम दिया है, तू सिर्फ एक दल्ला है। मैं जो तेरे बाप है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। चारों से मीटिंग करवा। तुम्हें कैसे पता कि वो चार लोग हैं? तेरे को अंदाजा नहीं है नायक की पहुंच कहां तक है। जल्दी उनके साथ मीटिंग करवा। वो नहीं आएंगे। नहीं सुनने की आदत नहीं है मुझे, मैं बुलाऊंगा तो उन्हें आना ही पड़ेगा। बोल दे। मुझे जाने दो सर। सर मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं बता दूंगा सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। उन तीन लोगों को मैंने बम ब्लास्ट के लोकेशन पर पिकअप और ड्रॉप किया था सर, और उसके बदले में उन्होंने मुझे 20 लाख देने का वादा किया था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। कौन है वो? नाम क्या है उसका? सिल्वम सर, सिल्वम। सर, हाँ? हमने होर्डिंग लगा दिया, फोन नंबर ठीक है ना? नंबर नंबर तो ठीक है, मगर इसमें हमारी फोटो कहाँ है? अबे छोटी मोटी पब्लिसिटी हो जाती है यार। सर अगर लोग हमें पहचानेंगे तो होटल और पब्स में डिस्काउंट मिल जाता, उसमें बुराई क्या है? अगली बार फोटो लगा देना। ओके सर। ट्रैफिक बहुत है, लगता है चेकिंग हो रही है। ए कहाँ जा रहा है? सर थोड़ा जल्दी करेंगे, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। पहुंचना है तो मैं क्या करूं? तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि पुलिस से कैसे बात करते हैं? गाड़ी में बैठ नहीं तो पिटेगा। अर्जुन चल यहाँ से। यार क्या कर रहा है, बंद कर। अर्जुन तू फोन बजा रहा है कर यार। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतनी रात को ये क्या तमाशा लगा रखा है सर? लोगों को कितनी टेंशन है, कितनी प्रॉब्लम है, पता है आपको? अबे तमीज वमीज है कि नहीं? हम यहाँ ब्लैक में टिकट्स बेच रहे हैं। सर मैंने तो तमीज से ही बात की थी, आपके ऑफिसर ने लिमिट क्रॉस की। ब्लास्ट हुआ है शहर में और सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए नाकाबंदी चालू है, तेरे से बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ, घूर क्यों रहा है? ए शायद तुझे पता नहीं क्या हो सकता है, बम ब्लास्ट में जरा सा भी शक हो तो बिना सुनवाई के डायरेक्ट उठा लेते हैं और उसे घुसेड़ देते हैं अंदर। वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ती हमें। सर आपने क्या मुझे कोई सड़क छाप गुंडा समझ रखा है? अगर बिना सबूत के मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अच्छा क्या कर लेगा बे, बोलो क्या कर लेगा? ए तरुण। सर उठा ले और बंद कर दे दोनों को जेल के अंदर। सर सर सुबह से इसके माँ बाप लापता है इसलिए बेचारा थोड़ा परेशान है। मुझे तेरे पे भरोसा। मैं सच कह रहा हूँ सर, एसआर नगर पुलिस स्टेशन में हमने रिपोर्ट लिखवाई है, हम वहीं से आ रहे हैं, आप चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं सर। आंखें नीचे कर। ए अर्जुन मान लेना यार, चल यहाँ से। बट छोड़ यार ना यार। अर्जुन। हाय दीदी, क्या बात है? आज राखी है। किसी चीज का स्ट्रेस मत लेना, टेंशन कभी मत लेना, किसी से झगड़ा मत करना और हमेशा वही करना जो तुम्हें अच्छा लगता sure. है। जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो तुम्हें Thank जरूर you, मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। दीदी तुम्हारी ना उम्र हो चुकी है, इतनी फिलोसफी क्यों झाड़ रही है? लो तुम भी बांधो। देख अगर तू चुप रहेगा ना तो लोग उसे तेरी कमजोरी समझेंगे, अगर मंजिल पाने के लिए किसी से लड़ना पड़े तो बिंदास लड़। ओके दानू। अच्छे से उसकी पिटाई करना, छोड़ना मत उसे। सही कहा। हमेशा दूसरों से दो कदम आगे रहना। डन छुटकी। अब ज्यादा बातें मत करो, गिफ्ट दो। गिफ्ट? गिफ्ट तो मैं फिर भूल गए ना तुम। नहीं अर्जुन, वो जो तुमने 3 दिन पहले क्रेडिट कार्ड से गिफ्ट मंगवाया था, बताया नहीं इनको? क्यों बताया, उनके लिए सरप्राइज था। अच्छा अर्जुन
क्या गिफ्ट मंगवाया है? कहाँ ना इसने अभी? एक सरप्राइज सरप्राइज है अर्जुन। हाँ माँ। जानते हो राखी क्यों बांधते हैं? क्योंकि माता पिता के जाने के बाद भाई ही बहनों का ख्याल रखता है। ये राखी हमेशा उसे याद दिलाती है। ओके ऑफ कोर्स तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं माँ, मुझे याद रहेगा। मम्मा ओवर एक्टिंग कर रही हो। अरे दीदी श्रवण कहाँ है? तुम्हारे रूम में। हा? मेरे रूम में? हाँ। क्या दीदी पता नहीं अब तक क्या तोड़ फोड़ दिया होगा। ओए चल उठ उठ, मैंने कहा था ना मेरे रूम में मत आना। मेरी चीजों को क्यों छुआ तुमने? हाँ बोला था ना डोंट टच एनीथिंग। नीचे बैठो। क्या बात है? यही सब उनके सामने बोलो। तुम क्यों दांत दिखा रही हो? ये तो बच्चा है, तुम्हारे पास तो दिमाग है ना। ये मेरा वर्क स्पेस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं। निकलो फिर से मेरे रूम में मत आना। भागो यहाँ से, तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा क्या। निकलो। तुमने तो कहा जाओ। सॉरी यार, एक्चुअली वो ऊपर से जितना क्यूट दिखता है ना अंदर से उतना ही शरारती है। उसे डांटता नहीं तो वो मेरे कमरे में तोड़ फोड़ मचाता। माफ कर दो प्लीज। ठीक है। प्रोजेक्ट मीटिंग कैसी थी? वो लोग तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए पर ये भाई साहब उड़ने को तैयार नहीं हो रहा। डोंट वरी, ये जरूर उड़ेगा। अर्जुन, मैं डैड को हमारे बारे में बता दूं क्या? क्यों, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। बुद्धू, इसीलिए तो मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है पर क्यों ना हम मेरे पेरेंट्स को पहले बता दें। रियली? हाँ। तो ये काम तुम करो और अगर लेट किया तो अगली बार मैं तुम्हारे घर आकर राखी बांध कर चली जाऊंगी। चलेगा ना? डोंट फॉरगेट राखी। बाय। राखी। अर्जुन तुम भी ना। तुम लोगों को राखी के लिए गिफ्ट चाहिए थे ना, तो इतने काफी हैं? तुम्हारा जवाब नहीं, यू परफेक्ट। और एक तुम्हारे जीजा जी को देखो, यूजलेस। अरे अब मैंने क्या कर दिया? तुम कुछ नहीं करते, वही तो प्रॉब्लम है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। खोल प्लीज, जल्दी खोलिए ना। एक मिनट दीदी। हाँ जल्दी बता, मस्का किस बात के लिए? दीदी देखिए ना क्या बोल रही है ये। इतने सारे गिफ्ट्स देखने के बाद भी तुम शक कैसे कर सकती हो? आज से 4 साल पहले इसने ऐसे ही गिफ्ट्स दिए थे, याद है आपको? ए, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है? तुझे नहीं चाहिए तो भाग यहाँ से। दीदी आप ओपन कीजिए ना। ए, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। अरे दीदी मुझे क्या चाहिए, राखी पर भाई थोड़ी कुछ मांगता है। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं। ओके ठीक है तो हम चलते हैं। नहीं 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 रुको रुको रुको, प्लीज 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 बैठ जाओ प्लीज। दीदी आप भी बैठ जाइए ना, प्लीज प्लीज दीदी बैठ जाइए। एक्चुअली मुझे आप दोनों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। फुटेज मत खा, सीधे पॉइंट पर आ। ए, बता रहा हूँ ना, तू बीच बीच में क्यों? अर्जुन या तो तुम अपना दिल खोल कर बोलो या फिर मुझे ये गिफ्ट्स खोलने दो। हाँ ओके बताता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में हूँ। आप कब टपके? जब तुमने कहा बहुत जरूरी बात करनी है। उसको भी लेकर आओ, पड़ोस वाली आंटी को भी लेकर आओ। अरे बताओ ना। ओके ओके तुम बोलो। एक्चुअली बात ये बोलो। मैं चलता हूँ। मुझे पता है ये जानता है। बोलो कौन है वो लोफर? कौन कौन है डैड, किसकी बात कर रहे हैं आप? अंजलि ने अपने डैड को फोन किया था, उसने कहा उसे यहाँ किसी से प्यार है और उससे शादी करना चाहती है। अगर ऐसा अनर्थ हुआ तो मैं अपने दोस्त को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। बता कौन है वो लोफर, उसका नाम बता। मुझे उसका नाम कैसे पता होगा डैड? ये क्या बोल रहा है? इसने कहा था ये उसका ध्यान रखेगा, ऐसे ध्यान रख रहा है? हाँ तो डैड मैं उसका ध्यान रखता हूँ ना। हाँ। रोज सुबह उसे पिकअप करता हूँ, शाम को उसे ड्रॉप करता हूँ, लंच के लिए उसे बाहर ले जाता हूँ, उसे जो खाना होता है वो ऑर्डर कर देता हूँ। डैड अगर इससे ज्यादा उसका ध्यान रखूंगा ना तो उसी के हॉस्पिटल में मैं पेशेंट बन जाऊंगा। हाँ हॉस्पिटल वो वही मिलता होगा। हाँ, हाँ, नहीं हाँ। हॉस्पिटल में कोई चांस नहीं है, वहाँ वो मेरे साथ होती है। हाँ एक दो बार एलेक्स से बात करते हुए देखा है। एलेक्स? इम्पॉसिबल।
एक बार उसका पता चल जाए कि कौन है तो उसकी टांगे तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, उस गरीब की टांगे तोड़ के आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए उसे बेचारा। टांगे तो उसके तोड़ने वाले, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाँ? ए, बड़ों के बीच में मत बोल, चुप रह। क्यों क्यों ना बोलूं? मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुमने कहा था कि तुम उसे पिकअप करते हो, ड्रॉप करते हो। नहीं 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 धनु, इसने तुम्हारी कसम खा के कहा था कि इसे अंजलि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट? डैडी, आपको बस यही जानना है ना कि वो लड़का कौन है? हाँ? ओके, तो अंजलि आज रात हमें डिनर पर मिलने वाली है, हम उसी से पूछ लेंगे। ओके ठीक है, चलिए। मैंने कहा था मैं अपने पेरेंट्स को पहले बताऊंगा, तुमने क्यों बता दिया? मैंने बताया? मुझे तो बताना ही पड़ा क्योंकि तुमने नहीं बताया। क्या चल रहा है? हम भी वही सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है। अरे चुप कर यार। क्या? फोन। हेलो शेखर। हाँ शेखर, क्या चल रहा है? शेखर का फोन चल रहा है, मैं देख कर आता हूँ क्या बात है। अंकल, मैं जाकर खाना लेकर आती हूँ। ओके बेटा, जाकर पूछो कौन है वो, जाओ। बेटी धनु, खाना कहीं भाग कर नहीं जा रहा है, प्लीज। गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा है, अंदर ज्वालामुखी की तरह आग भड़की हुई है। अंजलि, अब तो गए काम से, पक्का बता देगी। मनहूस। क्या बात है? कौन है वो? ओ, वो एक्चुअली मैंने अपने डैड से कहा था कि मैं किसी को पसंद अच्छा। करती हूँ, तुम दोनों उसके बारे में ही जानना चाहते हो? हाँ, सॉरी, नहीं बता सकती। अरे कुछ करो सीता, वरना मेरा सर फट जाएगा। क्या है? अंजलि। हाँ। One second, okay. अंजलि, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछिए ना अंकल। तुझे मैं एक फ्री की सलाह देता हूँ, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं होगा, जाके उनकी बातें सुनते हैं। बात यह है, तुम पूछो ना प्लीज। अंजलि, वो लड़का कौन है? आंटी, मैं जरा एक मिनट में आता हूँ बस। आंटी, मैंने अर्जुन को सब बताया है, तो आप इसी से ही पूछ लीजिए। क्या? अर्जुन को? जी। आंटी, आई गो, आई सी यू टुमारो, बाय। अब तो बता दो इन सबको, राखी याद है ना? बाय। अरे अर्जुन, अंजलि कहाँ है? अभी अभी घर गई डैड। क्या घर चली गई? हाँ? पक्का वो उसी लड़के से मिलने गई है। उसका पीछा करो, पता लगाओ कि वो लोफर है कौन। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ओके। वो उसी से मिलने गई होगी पक्का। उसे लगता है वो बच जाएगा। हाँ? अर्जुन और अंजलि की जल्दी से शादी करवा दें। आपको सब पता चल गया? ओ, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तो क्या आपको कुछ भी नहीं पता था? अब भी पता चला, तुम कब से जानती हो? वो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मतलब मेरी इज्जत नहीं करता वो? नहीं नहीं, बात वो नहीं है जी। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? शायद आपसे डरता है इसलिए नहीं बताया। आप ऐसे हंस क्यों रहे? अरे मैं खुश हूँ। अर्जुन मुझसे डरता है, कितनी अच्छी फीलिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है। आने दो, मैं उसे बताता हूँ उसका बाप कौन है। आने दो, अब उसे समझ में आएगा बाप बाप होता है, बेटा बेटा। क्या? What happened? आओ जल्दी। अरे जरा हटा, देखने दो। कोई बचाओ। हटी। कोई मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ मेरी बेटी को। बेटी, okay. बेटी आंखें खोलो। ठीक है। आंखें खोलो बेटी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। अंजलि, स्ट्रेचर लाने को बोलो जल्दी। ओके। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी। एम्बुलेंस बस आ ही रही है। डोंट वरी। ये पेट से है। प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है?
सुनिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा सुनो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? हाँ, AB नेगेटिव। ओके, हमारे पास है। नहीं है मैडम। ओह नो। ओके, कहीं से अरेंज करना होगा। हाँ महेश, जल्दी हॉस्पिटल चलो। अच्छा, सायरन ऑन करो जल्दी। हाँ, ये रुक क्यों गया? महेश क्या हुआ? आगे ट्रैफिक जाम है मैडम। ए गाड़ी हटाओ। अरे जल्दी करना, प्रेशर डाउन हो गया है, डायलेशन शुरू हो गया है, अगर बेहोश हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। किसे फोन कर रही हो? अर्जुन को। बोलो। हमें एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए ब्लड चाहिए, बहुत ही अर्जेंट है। ठीक है, हॉस्पिटल में कॉल करके कहो ब्लड अरेंज कर दे, मैं उसे लेकर तुम्हारे पास पहुंचता हूं। ठीक है। अंजलि। हाँ? अपना GPS लोकेशन भेजो। ओके। सर सर, अंदर प्रेग्नेंट लेडी है, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना है जल्दी। देखिए सर, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, अगर प्रोटेस्ट की वजह से रास्ता जाम है तो 2 घंटे ट्रैफिक क्लियर होने में लगेंगे। ए, गाड़ी आगे ले, ये चलना। कितनी देर लगेगी महेश? सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। सरकार को मुआवजा देना ही होगा। सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। We want justice. पुलिस पुलिस भागो, भागो उस तरफ से। Damn it. अंजलि, मैं शमशाबाद सिग्नल पर फंसा हूँ, यहाँ प्रोटेस्ट की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है, क्लियर होते ही वहाँ पहुँचता हूँ। ओके अर्जुन, ट्रैफिक यहाँ तक है, क्लियर होते होते टाइम लग जाएगा, कंडीशन बहुत सीरियस है, डू समथिंग। मैं कुछ करता हूँ, प्लीज मेक इट क्विक। Remove your bike, please. ड्रोन के लिए ऊंची बिल्डिंग चाहिए। ट्रिमेटोल इंजेक्शन दो, जल्दी करो। ये बेहोश हो रही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अंजलि, अर्जुन ब्लड लेकर आ रहा यहां? है। हाँ। वो इतनी ट्रैफिक में यहाँ पर पहुंच पाएगा? I don't know. Oh no. Oh, no.
अंकल। हाँ? क्या हुआ? हेलो अर्जुन। अंजलि कैन यू सी इट? या आई कैन। ब्लड तुम्हारे पास पहुंच रहा है, डोंट वरी। ओके। You're fine, okay? तुम्हारी बेटी और उसका बच्चा खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल ले जाकर सी सेक्शन में उसकी डिलीवरी करवा दो। शुक्रिया डॉक्टर। चलो। पुरानी बातों को भूल जाओ वेंकट राव। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अब नाना बनने वाले हो। सीता चलो। चलिए। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। तुम और तुम्हारे ड्रोन की वजह से दो लोगों की जान बच गई। ग्रेट, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। डैड आप कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे? मूड थोड़ा लाइट करना पड़ेगा। चलिए तैयार हो जाइए। कहाँ जाने के लिए? आपने और माँ ने जो साथ में सबसे पहली फिल्म देखी थी ना, सागर संगम, वो शांति थिएटर में एक बार फिर से रिलीज हो रही है। क्या? ये लीजिए टिकट्स। सागर संगम। हेलो शेखर, सब रेडी है ना? मॉम डैड बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे सब रेडी है भाई, इस छोटा पैक बड़ा धमाका कैमरा से सब रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ मैं, हूँ ना, तू चिंता नहीं कर। और सुन, फिल्म खत्म होने के बाद सीधा मेरे घर आ जाना। ओके ठीक छे। ओके बाय बाय। यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? यही कि हमारी 30th एनिवर्सरी कैसी होगी। वो सेलिब्रेट करने के लिए पहले हमारी शादी जरूरी है, और उसके लिए तुम्हें अपने डैडी को हमारे बारे में बताना होगा। इस बार पक्का बता दूंगा। कल ही बात करूंगा। सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी के बाद ये मॉम डैड के लिए एक और सरप्राइज होगा। कमला हसन। अच्छा। कहाँ है सब? घर में कोई नहीं है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा? कहीं सब सो तो नहीं गए? अर्जुन, राधिका, धनु, सरप्राइज! कम कम, हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। ओ डैड, हैप्पी एनिवर्सरी। ए, शेखर कहाँ है? अबे उसे छोड़ तो पहले यहां पर आ। आजा। रेडी? व
वाह 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 वाह, बहुत हो गया रोमांस। आपको मंदिर जाना है, चलिए। कितनी देर और आ रहे हैं ना तुम? चलो हम आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ जाइए। अर्जुन। हाँ माँ। तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? तुम सब हमारे साथ मंदिर नहीं आ रहे हो क्या? तुम अभी तक चड्डी में ही हो, तुम्हारी बहनें भी नहीं दिखाई दे रही। आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है? हाँ, जब आप दोनों घर वापस आओगे ना, तब समझोगे हम सब आपके साथ क्यों नहीं आए। क्यों, फिर से कोई सरप्राइज है क्या? सिर्फ एक नहीं माँ, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, और डैड के लिए तो एक स्पेशल सरप्राइज है। मेरे लिए? वो क्या है? एक्चुअली आज रात मुझे आपसे कुछ कहना है। रात को क्यों, अभी बताओ ना, मैं खाली हूँ अभी। नहीं नहीं नहीं, आप वापस आ जाइए, फिर बात करते हैं। देर से जाने से भगवान नाराज थोड़ी ना होंगे। तुम बोलो, बोलो। प्लीज डैड को समझाइए ना। अरे मुरली चलो। अरे अब जाइए भी। माँ एक फोटो। डैड थोड़ा कम स्माइल कीजिए। ए बाइक इधर नहीं, उधर लगाने का। इधर जगह नहीं है, उधर जा लगा। ए तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे फोन आया था कि यहाँ पर अंकल आंटी हैं। यहाँ पर? लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सीता लक्ष्मी और मुरली कृष्णा के रिश्तेदार कौन है? हाँ, सर, है। आओ मेरे साथ। तुम सीता लक्ष्मी को कैसे जानते हो? माँ सर। क्या? मेरी माँ है सर। क्या उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी? नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं है। और मुरली कृष्णा को? सर दे आर बोथ हेल्दी पीपल, दोनों को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। एनी अदर मेडिकल हिस्ट्री? सर मैंने बताया ना उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सर एक मिनट, मुझे बताइए बात क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? आई एम सॉरी, तुम्हारे पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट हो गया। हा? कार नदी में जा गिरी और वो बाहर नहीं निकल सके। आई एम सॉरी, हमें ऑर्गन कलेक्ट करने के लिए डोनर पेपर पर आपके सिग्नेचर चाहिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए। कहाँ है वो? बेटा अर्जुन, घर में कोई नहीं है क्या? क्या फिर से कोई सरप्राइज है? तुम सब हमारे साथ मंदिर नहीं आ रहे हो क्या? जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। माँ
चला जा। सर 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 इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता सर। सर नहीं सर नहीं। अगर मैं चाहता तो तुझे कब का ऊपर पहुंचा देता, मगर आज मेरा मूड अच्छा है और उसकी तकदीर। चल बता, आखिरी चांस देता हूँ, जल्दी बता लाश के पीछे कौन है। सर मुझे जो पता तो मैंने बता दिया सर। तूने वो बताया जो तुझे पता है, मगर ये नहीं जो मुझे सुनना है। बोल बम ब्लास्ट के पीछे कौन है? बोल बम के अलावा किसी को नहीं। और मैं तेरे अलावा किसी को नहीं जानता। ये देख, इसे देखा तूने कभी? क्या ये सिल्वम है? बोल। नहीं सर ये सिल्वम नहीं है। ये कौन है मुझे नहीं पता है सर। ये मेरा यकीन क्यों नहीं करता? मैंने बोला इसको ये लास्ट चांस है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना तरुण? सर 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 ये आपने क्या कर दिया? अब ये भरोसा करेगा? ये तुमने क्या कर दिया तरुण? तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, गरीब बेमौत मारा गया। अब ढूंढो यार उसे। सर साहब। चुप। हाँ बोलो क्या है? सर वो मेरे पेरेंट्स के केस के बारे में कुछ पता चला। ओ, क्या? वो एक एक्सीडेंट केस था, हमने क्लोज कर दिया। मगर सर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ सर, कोई नहीं जानता ये एक्सीडेंट कैसे हुआ या फिर किसने किया। और सर कार में क्या फॉल्ट था ये भी मेंशन नहीं है रिपोर्ट में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। माँ और डैड तो उस कार में मंदिर जा रहे थे, वो लोग वहाँ कैसे पहुँच गए ये तो हमारी समझ से बाहर है। ठीक है, आप लोग रिपोर्ट फाइल कर दो, हम केस री ओपन करेंगे। ओके और वो एक्सीडेंट केस की फाइल लेकर आओ। जी सर। जब जिंदा था तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें किया करता था। जरा एक मिनट, मैं नीचे आता हूं। दस हजार एकड़ जमीन, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 300 करोड़ का मुनाफा। लोगों को तेरे घोटाले के बारे में मालूम पड़ गया ना तो नोट भी गए और वोट भी गए। लेकिन मैंने धमाका करके लोगों का ध्यान भटका दिया है, ताकि प्रोजेक्ट भी तेरे और मुनाफा भी। मैंने इतना बड़ा एहसान किया तेरे पे, लेकिन तेरा चमचा मूर्ति मेरे को 2 कोड़ी का गली का गुंडा बोलता है। हार्ट ब्रेक कर डाला रे। तो अपन ने नायक मुद्दे की बात पर आओ। मेरे को मेरा हिस्सा दे। कितना चाहिए? 150 करोड़ से एक भी कम नहीं। क्या सोच रहा बे? ये तेरे को बॉम्ब ब्लास्ट के पहले सोचना चाहिए था। नायक ऑलरेडी तुम्हारा पेमेंट कर दिया है, अभी और क्यों मांग रहे हो? वो ब्लास्ट के बटन पर उंगली किसकी थी ये राज रखने के लिए? ये मेरी छोटी सी कीमत है, और ये कीमत मैं बता नहीं रहा हूँ, पूरे हक से मांग रहा हूँ। भाई मुरली के घर वालों ने फिर से केस को खोल डाला है। भाई तेरे को हर बात सिखानी पड़ेगी, उसके परिवार को 4 धाम भेज दे।
अंजलि, अंजलि! कौन हो तुम लोग? दीदी आप ठीक हो ना? अंजलि, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! Leave me! Arjun! अंजलि जाओ, अंजलि जाओ यहां से। नो, गो। जाओ अंजलि। NIA कंट्रोल रूम। हेलो, मेरा नाम सुरेश है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। सर, मेरे पास बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन है। सर सर, सभी चेक पोस्ट पर चेक करने को। हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो, हाँ बोलिए, क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ, जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था वो मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? वो कहाँ पर? एबिट सिग्नल का सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। सर, एबिट, एबिट, ओके ओके, मैं चेक करता हूँ। ज़ूम इट आउट, ज़ूम इट आउट, क्विक। हेलो अंजलि, कहाँ हो तुम? ओ जी, शिट, ट्रेस दिस नाउ, जल्दी से इस कॉल को इंटरसेप्ट करो। ओके सर। हमारी जानकारी के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन कोटी थी। ये बताओ, पास में कोई इंटरसेप्ट व्हीकल है क्या? उसका पीछा करने वालों को जल्दी। They're already on their way, sir. Good. मॉनिटर 3 पर लाइव फीड चेक करो। तरुण, गेट देम इनटू कस्टडी नाउ। यस सर। क्विक। Thank you.
अर्जुन, अर्जुन रुको, ये सब क्या हो रहा है बताओ मुझे। अंजलि, अंजलि तुम्हारा हाथ। कौन थे वो लोग और मुझे बताओ वो हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? धनु और दीदी कहाँ हैं? बताओ अर्जुन, वो सब लोग ठीक तो है ना? बस एक बार कह दो कि वो सब ठीक है अर्जुन, बोलो। चुप क्यों अर्जुन? अभी तक मैं सोच रहा था कि अंकल आंटी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, पर ये एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है। तू जो भी बोलना चाहता है साफ साफ बोल। एक्सीडेंट होता तो उनके शरीर में चोट और घाव के निशान होते, पर ऐसा नहीं है। मैंने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेक किया है, उनकी मौत उनके लंग्स में फ्रेश वाटर भरने से हुई है। हाँ तो मुझे जो रिपोर्ट मिली थी उसमें भी यही लिखा हुआ था। लेकिन पहले वाले रिपोर्ट में इसे मेंशन नहीं किया गया था, उसमें इंडस्ट्रियल वाटर का जिक्र था। इंडस्ट्रियल वाटर? सुन, अगर अंकल आंटी की मौत नदी में गिरने से होती तो उनके लंग्स में इंडस्ट्रियल वाटर नहीं होता। इतनी भी ऊंचाई से कोई गिरता है तो चोट के निशान होते हैं, उनकी बॉडी में चोट के निशान क्यों नहीं थे? जरा सोच, अगर पहला वाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही था तो उसे बदला क्यों गया? मुझे पक्का यकीन है कि यह एक्सीडेंट नहीं था। अंकल और आंटी को मार के उसे एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई है। मुझे एलेक्स की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सबूत दिखाए तो विश्वास करना पड़ा। पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पेरेंट्स को कौन मारना चाहेगा। दो बातें हो सकती हैं। पहली, उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया, या दूसरी, उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा था जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। सरप्राइज! जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो दूसरों के दुख नजरअंदाज कर देते हैं। सच सामने होने के बावजूद आंखें उसे देख नहीं पाते। कुछ लोग वो ढूंढते हैं जो उन्होंने कभी देखा नहीं, और कुछ लोग बस वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत रोमांस हो गया, मंदिर नहीं जाना है क्या? माँ कितनी देर और लगेगी? आ रही हूँ बेटा। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, सब लोग खुश थे सिवाय माँ और डैडी के। सब लोग वहां मौजूद थे सिवाय शेखर के। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये थिएटर के पीछे क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता। अगर ये फिल्म देखने गया था तो पाइप से नीचे क्यों उतर रहा था? मुझे सच में नहीं पता। नहीं पता? हाँ सर। अच्छा, तो जब ये उठ जाए। सर सर हा? सर प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब ये उठ जाए तो मुझे फोन करते हैं। थैंक यू। कम थोड़ा। तुमने इसका बैकग्राउंड चेक किया तरुण? एकदम क्लीन है सर, ये एक वीडियोग्राफर है। वीडियोग्राफर है? तो फिर उसका कैमरा? नो लक सर, उसका फोन, स्टूडियो, कैमरा सब कुछ चेक किया, पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ओके, ऑलराइट सर, लेट्स गो। सागर संगम।
क्या तुम मुझे बता सकती हो ये थिएटर के पीछे क्या कर रहा था? अगर ये फिल्म देखने गया था तो पाइप से नीचे क्यों उतर रहा था? वीडियोग्राफर? तो फिर उसका कैमरा? नो लक सर, उसका फोन, स्टूडियो, कैमरा सब कुछ चेक किया पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अरे सब रेडी है भाई, इस छोटा पैक बड़ा धमाका कैमरा से सब रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। इसका नाम जोगी है, हैदराबाद का बहुत बड़ा गैंगस्टर। शहर के सभी दो नंबर के धंधे इसी के हाथ में हैं। देसी ठर्रे से शुरुआत की थी और आज दारू का सबसे बड़ा कारोबारी है। यहाँ से लेकर दुबई तक हर जगह इसकी पहुंच है। अपराध की दुनिया में इसका काफी दबदबा है। अपने फायदे के लिए ये अपनी माँ और बहन तक को बेच सकता है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इससे दूर ही रहो। कहाँ मिलेगा ये जोगी? जब मैं ये पता करने गया कि माँ और डैडी के साथ क्या हुआ था, तब मुझे पता चला कि वो हमारे साथ क्या करने वाला है। उसके परिवार को चार धाम भेज दे। समझ में नहीं आ रहा था फैमिली को कैसे बचाऊं, इसीलिए वेंकटराव अंकल की मदद से मैंने उन सबको किडनैप करवा लिया। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि हम पर भी उसी वक्त हमला हो जाएगा। दुनिया में ऐसे हैवान भी होते हैं। हाँ दीदी, ऐसे लोगों के लिए जिंदगी सिर्फ एक पैसों का खेल है। क्यों ना हम पुलिस या फिर मीडिया को सब कुछ बता दें? अगर हम पुलिस स्टेशन गए तो पल भर में उन्हें पता चल जाएगा। उनके आदमी हर तरफ फैले हुए हैं, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पुलिस, मीडिया सबके सब बिक चुके हैं। पर अब तुम क्या करने वाले अर्जुन? एक छोटा सा सुखी परिवार था हमारा, घर था, माँ, डैडी, हम सब कितने खुश थे। मगर एक खूंखार गुंडे ने आकर हमसे सब कुछ छीन लिया।
अगर हमें जीना है तो हमें लड़ना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उनसे लड़ने के लिए इतना साहस कहां से आया? ये साहस नहीं है, वीरता है। पहाड़ के पीछे वाले कब्रिस्तान में मुझे लाशों की जगह बोरी में भरे हुए नोटों के बंडल मिले हैं। तेरे हैं क्या? ए, कौन है तू? पैसे ऐसे गाड़ने नहीं चाहिए, क्या पता कब गायब हो जाए। क्या रे, गेम खेल रहा है? सामने आके बात कर। दिमाग ठंडा रख जोगी, तेरे पैसों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वरना मैं खुद तुझे फोन क्यों करता? तो फिर क्या चाहिए? अगले एक घंटे तक जैसा मैं कहूंगा वैसा तू करेगा, फोन मत काटना। कहाँ रह गया था तू? कितनी बार कॉल किया? उसकी फैमिली कहाँ है? हमें उसकी फैमिली नहीं मिली, हमारे आदमियों ने उसे सब जगह ढूंढा। वो लड़का बहुत शाना निकला, चकमा देकर भाग गया, उसकी वजह से हमारे कुछ लोग पकड़े भी गए। कौन सा पुलिस स्टेशन? पुलिस वाले नहीं थे वो, कोई NIA के लोग थे, वही हमारे आदमियों को लेकर गए। उस ऑफिसर का नाम क्या है? ऑफिसर का नाम JD शास्त्री है, अपने प्रमोशन के लिए कुछ भी करेगा वो, अब इसे ढूंढते हुए आएगा। इतना सॉलिड नेटवर्क होने के बावजूद उसका छोटा सा परिवार हमारे हाथ से निकल गया। JD को हमारे किडनैपर का पता चल गया और ठीक उसी वक्त जोगी भी गायब हो गया। कोई तो बड़ा गेम खेल रहा है। कहाँ है तू? सामने आ, मिलने का शौक था ना, अब आना सामने। ए, पानी से डर आएगा? बुलेट खा के ये बॉडी बनाई है, पानी से नहीं पिघलेगी। पहले ये तुझे सिर्फ पानी की बूंदे लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे तेरे लिए इनका वजन बढ़ता जाएगा। ये चाइनीज टॉर्चर टेक्निक है, इसे वो अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल करते थे। आदमी के इरादे चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, 3 घंटों के अंदर वो सब कुछ बक देता है। साहब, आप बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में क्यों पूछ रहे हो? हमें कुछ नहीं पता उस बारे में। अगर तुझे नहीं पता तो तू बॉम्ब ब्लास्ट की जगह पर क्या कर रहा था? हम तो वहां किडनैप करने गए थे। किसे पूछ के गया था मैं? ए, तू इधर आ। इधर आ भाई। इसे पूछ के गया था? जो पूछा जाए उसका सीधे सीधे जवाब दे। मालूम नहीं साहब। ये रंजीत भी तो यही बोल रहा था। सर सर सर, मैं इसे देखता हूँ सर। इनसे उगलवाओ कि ये किसे किडनैप करने जा रहे थे और किसके कहने पर जा रहे थे। ठीक है सर। और हाँ, उस लौंडे का डिटेल निकालो जिसने हमें फोन किया था। जी सर। जल्दी करो। ए, तू पागल है क्या?
अबे क्या खाली पीली पानी बारेला है, पानी की जगह दारू दे, दे दारू, दे दारू, टिक 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 दे दारू। अबे इतना मत सोच, सोचने से इंसान के इरादे कमजोर हो जाते हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या काम है? आजकल पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं, उनसे कंट्रोल में रहने को बोल। किसे कंट्रोल में रहने की बात कर रहे हो, वो एनआई ऑफिसर है, कंट्रोल में तो तुम्हें रहना चाहिए, उन्हें नहीं। मैं पूछ नहीं रहा हूं कंट्रोल में रख सकता है या नहीं, ऑर्डर दे रहा हूं मैं। अगर मैं डूबा ना तो अकेले नहीं डूबूंगा। वो जोगी का कुछ पता चला क्या बे? अभी तक नहीं भाई। अपने बिरादरी में सबको उसके बारे में बता दे। उसके मिलने तक कोई सोया तो हमेशा के लिए सो जाएगा, अगर वो नहीं मिला तो पूरे शहर को सुला दूंगा। पहले ये तुझे सिर्फ पानी की बूंदे लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे तेरे लिए इनका वजन बढ़ता जाएगा। बंद कर बे इसको। बेरा है क्या? हाथ खोल मेरे। बंद कर, मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। बंद कर। जोगी, जोगी, मेरे माँ डैडी को किसने मारा? जोगी बता मुझे, मेरे माँ डैडी को किसने मारा? बता जोगी, होश में आ। नायक कौन है? नायक ने उन्हें क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी उनकी? बॉम्ब ब्लास्ट से मेरे पेरेंट्स का क्या लेना देना? सिल्वम। अब ये सिल्वम कौन है? सिल्वम या नायक, किसने मारा उन्हें? जोगी, थिएटर शांति थिएटर ना? जोगी, जोगी होश में आ। शांति थिएटर में क्या हुआ था? क्या हुआ था उस रात? याद करने की कोशिश करो जोगी। बम ब्लास्ट के बाद सेल्वम भाग गया। 3 दिन बाद हमने उसको शांति थिएटर में आड़े में लिया और वहीं पर उसका गेम बजा डाला। मुझे लगा हर बार की तरह इस बार भी मैं बच जाऊंगा, लेकिन थिएटर के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि तेरे माँ बाप ने मुझे देख लिया है। साले पढ़े लिखों की यही प्रॉब्लम होती है, हर काम में टांग अड़ाने की खुजली रहती है तुम लोगों को। क्या हुआ? जब से वो खून होते हुए देखा है, मन कुछ बेचैन सा रहता है। यहाँ मंदिर में भी वही बात दिमाग में घूम रही है। क्यों ना पुलिस के पास जाकर हमने जो देखा है उन्हें बता दे। हाँ ठीक है, चलो। हाँ सीता, छोड़ दो हमें। बोल, किसके सामने अपनी जबान खोली? हमने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया किसी को। अरे रुको, उसे
छोड़ दो, मैंने कहा ना मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। इसको बताया तूने? कहा ना किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी नहीं बताया। देवजम मरेगा। छोड़ दो, जाने दो उसे, जाने दो। सीता, ये नहीं बताएगा तो तू बताएगी। किसको बताया तुमने? आपने किसी को कुछ नहीं बताया। नहीं, छोड़ दो, आपने किसी को नहीं बताया। तुझे लगता है इन लोगों ने किसी को बताया होगा? लेकिन छोड़ दिया तो बता देंगे। अर्जुन, don't do this. अर्जुन, please. Shut up. अच्छा करना है तो ऐसे गुंडों से हमेशा पाला पड़ेगा तुम्हारा। उन्हें बदलने की सोचो, उनकी तरह मत बनो। अर्जुन, ये वीडियो तो किसी को भी दे दे, नायक तक जरूर पहुंचेगा। तू नायक की पहुंच को नहीं जानता। सही कहा, नहीं जानता मैं। चल तू बता। भाई, जिन लोगों को हमने मारा था ये उसी का बेटा है। उसने मुझे झांसा देकर यहाँ पर बुला लिया। बहुत टॉर्चर किया भाई, मगर मैंने अपना मुंह नहीं खोला। आप तो जानते ही हैं मैं जान दे दूंगा, पर आपके बारे में कभी कुछ। भाई, मेरे को देखते ही बोलने लगा कि मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। उसके चेहरे पर लिखा था कि झूठ बोल रहा है। मेरे साथ 15 साल तक काम किया तो मैं अपने 150 करोड़ जाने दूंगा क्या? अगर तू मेरी जगह होता तो तू भी यही करता। अब उसके पास हमारे कारनामों की एक पूरी किताब है। इससे पहले कि वो कुछ उगले, उसके परिवार को खत्म करना पड़ेगा। माँ, डैड नहीं है। तैयार हो? अंजलि के बारे में जाओ बता दो। डैड, आपको याद है मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। और तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं उसी वक्त सुनूंगा या फिर नहीं सुनूंगा? डैड प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। ओके डैड, बात यह है कि अंजलि और मैं, हम दोनों अभी 20 सेकंड हो गए। मुरली, ओके कंटिन्यू। डैड, एक्चुअली लाइफ में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। वो ना हो तो ही अच्छा है। अब जैसे कि जब मैं पैदा हुआ तो मैंने चूज नहीं किया था ना कि मेरी इतनी अच्छी फैमिली होगी। क्या बोल रहा है ये? ए, डरो मत, बता दो, बता। ओके ओके
डैड मुझे अंजलि बहुत पसंद है, इसीलिए उसे घर ड्रॉप किया था और ड्रॉप करने के बाद उसे प्रपोज किया था और बहुत कोशिश भी की थी कि आपको पता ना चले। पर डैड प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने अंजलि को प्रपोज किया, उसने हाँ कहा और अगर आप हाँ कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे। बता ही दिया। हे अर्जुन, क्या हुआ? वो खतरे में, वो खतरे में। कौन खतरे में? कोई नहीं जानता था कि हम वहां पर हैं, फिर भी नायक उस जगह पहुंच ही गया ना, इसका मतलब दीदी और जीजाजी की जान खतरे में है। हेलो जीजाजी। सर, इसने किडनैप किया था, इसका नाम बैरागी है, दो नंबरी है और मारा जा चुका है। बड़े खतरनाक हो यार, जिसे भी ढूंढते हो मरा हुआ मिलता है। सेल्वम से शुरुआत की थी और कितने लोगों की बलि लोगे तुम? सर, उस लड़के का डिटेल नहीं दिया जिसने कॉल किया था, क्या स्टेटस है उसका, जिंदा है कि नहीं? सर, उसका नाम अर्जुन है, यहीं का लोकल है, श्रीनगर कॉलोनी का। अर्जुन, 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 ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। There he is. इसने आखिरी कॉल शेखर को किया था जो अब कोमा में है, फिर बैरागी ने इसका पीछा किया, वो भी मारा गया। कौन है ये अर्जुन? मामला के पीछे जरूर इसी का हाथ है तरुण। सर, यस, किसी सबूत के बिना आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सबूत मैं पैदा करूंगा, टेंशन मत लो, मुझे इसी वक्त उसकी फोटो चाहिए। बॉम ब्लास्ट इसी ने किया है, साबित करके प्रमोशन ले लूंगा। प्रमोशन? फिर इसकी कहानी खत्म। दीदी, मैं हूँ अर्जुन। दीदी देखो, मैं अर्जुन, शांत हो जाओ, प्लीज काम डाउन, मैं आ रहा हूँ। ओके हाँ। दीदी आई ओके? ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें लेकर आऊंगा, चलिए आप आइए, कम कुछ नहीं होगा। दीदी ध्यान से जाइए, मैं उन्हें लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। जीजाजी, कार, कार की चाबी है, कार में जाकर बैठ जाइए, मैं आता हूँ। ओके, गो गो गो, जस्ट बी सेफ।
श्रवण, धनु, इट्स मी अर्जुन। थैंक गॉड तुम मिल गए। आर यू गाइस ओके? आर यू ओके? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? श्रवण ठीक है? अर्जुन, इट्स ओके, इट्स ओके, वी विल बी फाइन, कुछ नहीं होगा। जोगी का वीडियो कहाँ है? मैं तुम्हें वो वीडियो देता हूँ, पर इन्हें कुछ मत करना। तुझे मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो मैं वीडियो नहीं दूंगा। ले जाओ इसे। सर अर्जुन, ये जाना पहचाना लग रहा है। यस सर, ये वही है जो चेक पोस्ट पर आपसे बहस कर रहा था। इसके पेरेंट्स मिसिंग थे और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था। कौन से वाले में? शायद एसआर नगर स्टेशन। पुलिस स्टेशन फोन करके इसका एड्रेस निकालो, जाके मिलना पड़ेगा। यस सर। उनमें से कोई मिला? नहीं भाई। तू यहां? अपनी जान बचाने वाले के पास दो रास्ते होते हैं, या तो छुप जाए या भागता रहे, पर पकड़ने वाले के पास एक ही रास्ता होता है, उसका शिकार। अबे चुप! या जितने भी लोग हैं मुझे उनकी गाड़ियों के डिटेल्स चाहिए। ओके सर। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह अपने आदमी तैनात कर दें। कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चलो चलो जल्दी, कम ऑन, जल्दी ट्रेन छूट जाएगी। चलो उस तरफ चलो, जल्दी चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ जाओ, मैं आता हूँ, जाओ जाओ जाओ। Check.
अरे आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर जाइए ना। चलो चलो चलो। दीदी चाहे जो भी हो जाए इस ट्रेन से मत उतरना, ओके? मैं आपको कॉल करके अपडेट करूंगा, ओके? धनु अंदर जाओ, मैंने कहा अंदर जाओ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अंदर क्यों नहीं जा रही है धनु? हमें सबको सुनाई दे रहा है अर्जुन, वो लोग हमें छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप सब चले जाइए। उस दिन जाने अनजाने में मैंने ही माँ और डैडी को बाहर भेज दिया था और हमने उन्हें खो दिया। अगर आप लोग इस ट्रेन में नहीं चढ़े तो मैं आप लोगों को भी खो दूंगा और वो मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं है। दीदी मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो, ये खून खराबा और नहीं, मगर ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही अर्जुन? दीदी मैं इस तरह जिंदगी भर भाग भाग के नहीं जी सकता। माँ और डैडी से जुड़ी जिंदगी भर की हर एक याद इसी शहर की है। उस आदमी ने उन्हें तो मार दिया पर मैं वो यादें मिटने नहीं दूंगा। अफसोस कि उन्हें नहीं बचा पाया पर आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन धनु अंदर चलो। दीदी पर अर्जुन। धनु I promise I'll come। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपना ख्याल रखना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो धनु। अर्जुन हमारी जिंदगी बदल चुकी है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और अब भी तुम गलत नहीं हो, और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जाओ, तुम भी अपना ख्याल रखना, हम जल्दी मिलेंगे। जाओ जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? नायक। आ गया तू, इसी पानी में तेरे माँ बाप को डुबाकर मारा था मैंने, उस वक्त तुझे होना चाहिए था। तेरा बाप अपनी जान की भीख मांग रहा था, तुझे उसकी हालत देखनी चाहिए थी।
तेरी माँ तेरे बाप को लाचार होकर डूबते हुए देख रही थी। चल बता वीडियो कहाँ है। उस दिन उन दोनों के पास खोने को बहुत कुछ था, लेकिन आज मैं अकेले आया हूं। अगर मर भी गया ना तो मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं होगा। अच्छा अफसोस नहीं होगा। S4 काचीगुड़ा अमरावती एक्सप्रेस, ये ट्रेन है ना, तेरा पूरा खानदान यहाँ होगा अगले 10 मिनट के अंदर। जैसे तेरे माँ बाप को मारा था तुझे भी मारूंगा। अगर तेरे में हिम्मत हो तो फिर बोलना कि मुझे अफसोस नहीं होगा। वीडियो किधर है बोल। बताता हूँ, सब बताता हूँ। नायक की पहुंच हर जगह है, माफिया से लेके पॉलिटिशियंस तक। बम ब्लास्ट करवाने के लिए पैसे कौन देता है इससे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करवाए सब के सब नायक नहीं थे भाई। उस ट्रेन में उसकी फैमिली नहीं थी, हमने पूरी ट्रेन छान मारी। अपने परिवार को कहाँ छुपा के रखा है बता। वो ट्रेन के अंदर भी नहीं है, नीचे भी नहीं उतरे, कहाँ छुपा के रखा उन्हें बोल। बोल, बोल। हम 10 मिनट में गुंडकल पहुंचने वाले हैं, बोलो अब क्या करना है। जब ट्रेन वहां रुकेगी तो बिना ट्रेन से उतरे S4 से S12 में शिफ्ट हो जाओ। बिल्कुल मत घबराना, 1 घंटे में गोवा एक्सप्रेस आएगी और तुम्हारा कंपार्टमेंट उस ट्रेन से जुड़ जाएगा, कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। महान नायक का महान नेटवर्क, क्या उखाड़ा तूने। एक 25 साल के लड़के ने तेरे आदमियों को कुत्ते की तरह भगाया और तू कुछ नहीं कर पाया। ऐसा नेटवर्क किस काम का है? मेरी वजह से तूने अपने ही आदमियों को मार दिया। नायक माय फुट। तुझसे बेहतर नेटवर्क तो आजकल के किसी भी नौजवान के पास है, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। मैं जानता हूं तेरी ताकत हमारा डर है, पर जिस दिन हमारा डर गया तेरा खेल खत्म ना है। आंखें किसे दिखाता है, आंखें किसे दिखाता है। तू जानता है तेरे माँ बाप को मैंने ही मारा था, मेरे डर की वजह से ही तेरा परिवार भागता फिर रहा है, मगर फिर भी तू मेरे सामने सीना तान के खड़ा है। बता क्या गेम खेल रहा तू। अभी तो खेल बस शुरू हुआ है, तू सिर्फ मुझे पकड़ना चाहता था, पर तू अपने आप को बचाना भूल गया और यही तेरी सबसे बड़ी गलती थी। ना ही मैं खुद को बचाने के लिए भागा, ना ही तेरे साथ खड़ा हर आदमी तेरा दोस्त है। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पहला या तो नायक के साथ मरो या फिर नायक को मार के खुद नायक बन जाओ। अगर मना करोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि ये जो ऑफर है मेरा नहीं है। जिस दिन तूने योगी को मारा मैं समझ गया कि नायक बनने के लिए नायक की तरह सोचना पड़ेगा। 100 करोड़ तू नहीं समझेगा। तुम कुछ देने वाले थे मुझे? थोड़ा रुको। नहीं, नहीं। पच्चीस साल लग गए अपना साम्राज्य बनाने में और तूने इसे मेरे हाथों बर्बाद कर दिया। तू जानता भी है 150 करोड़ कितने होते हैं। ओ हेलो, उसको बाद में मारते रहना, पहले मेरा हिसाब चुकता करो।
मैंने तुमसे दो वादे किए थे, पैसा और प्रमोशन। इस नोट को अफजल नगर बुक स्टॉल में दे, तूने देखे भी नहीं होंगे इतने पैसे मिलेंगे। मुझे ब्लास्ट केस से निकाल कर इसे जेल में डाल दे, प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ करता हूँ करता हूँ। ए, तूने भी मुझसे कुछ वादा किया था ना? सुबूत। कौन सा? वो जोगी का वीडियो ना? अबे वो मेरे किस काम का? नायक मेरी बात सुन, वो नहीं। ए, मेरा फोन दे। फोन जल्दी कर। ये अब बाहर जा। मैं यही रहूंगा। बाहर जा, मैं आता हूं। ठीक है। ये क्या है? ए, जोगी की बातें सुनने के बाद मुझे लगा इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। मैंने तो सिर्फ ट्रेलर देखा था, मगर असली पिक्चर तो कुछ और ही थी। उसके परिवार को चार धाम भेज दे। मेरी तीसरी आंख ने वो असली पिक्चर देखी। लोगों को तेरे घोटाले के बारे में मालूम पड़ गया ना, तो नोट भी गए, वोट भी। लेकिन मैंने धमाका करके लोगों का ध्यान भटका दिया है, ताकि प्रोजेक्ट भी थारे और मुनाफा भी। नायक मुझे ढूंढ रहा था, और मैं उन्हें जिनका नायक चमचा था। उस ब्लास्ट के बटन पर उंगली किसकी थी? यो राज रखन वास्ते यो हमारी छोटी सी कीमत है। अगर आपने इस सबूत को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपकी प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपको पैसा चाहिए तो इससे आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। इसने कहा यह आपको इतना पैसा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सबूत आपको इतना पैसा देगा कि ये सोच भी नहीं सकता। किसी और के पास भी ये वीडियो या सिर्फ तेरे पास है? ये वीडियो हम सबके पास है। मुझे हर हाल में ये वीडियो चाहिए। इस केस का पूरा क्रेडिट मुझे चाहिए। ए, कोई होशियारी नहीं। इसके बदले क्या लेगा बोल? मेरी पहली शर्त है कि मेरी फैमिली को इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, और हमें हमारी जिंदगियां वापस चाहिए। और क्या चाहिए तुझे? उसके साथ मिलकर क्या गेम खेल रहा है? कभी कभी गलत काम करने पड़ते हैं अच्छे काम को अंजाम देने के लिए, और ऐसे काम मुझ जैसे ही किसी को हाथ में लेने पड़ते हैं। अब क्या करें, आदत से जो मजबूर हूं। वो उधर क्यों गया? मासूमों और बेगुनाहों को तूने अपनी लालच का शिकार बनाया है, पर आज के बाद तेरे सारे घिनौने काम बंद। ए! मौत नजर आ रही है ना? अच्छा प्लान बनाया था मेरे मां डैडी को मारने का तूने, बस पानी ने तुझे फंसा दिया। ए! क्या करने वाला है तू? ए! क्या कर रहे है? बोल! तू पागल हो गया है क्या? ओ